बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शहरयार, मेरी आवाज आ रही? जी शहरयार, कैन यू हियर मी क्लियर? जी सर, ओके। अच्छा बेटा जी, कल हमने ये डिस्कस किया था कि एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट पी है, तो उसका जो शेडो होता है वो कौन सी मूवमेंट कर रहा होता है? वो ऊपर नीचे, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, शेडो और रेप्लिका। यानी दिस टेल्स के सर्कुलर मूवमेंट में और सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई रिलेशन है, राइट? अच्छा, अब ना ये जो रेप्लिका की मूवमेंट है ना बेटा, इस एक्सिस को हम अगर सेंटर सर्कल के बीच में फिट कर दें, जैसे ये नीचे किया हो, तो उसके लिए मैं जस्ट ऐसे समझाने के लिए एक मरतबा वो रेफरेंस के लिए कर रहा हूं। कि जब ये ऑब्जेक्ट इधर होगा तो इसका शेडो इधर होगा, ऑब्जेक्ट इधर होगा तो उसका शेडो, वो शेडो जो हम पीछे करे तो वो यहाँ हमने सेंटर पे कर दिया। ऑब्जेक्ट इधर होगा, शेडो इधर होगा, ऑब्जेक्ट है तो शेडो इधर, ऑब्जेक्ट इधर है तो शेडो फिर इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर है शेडो इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है शेडो इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है तो शेडो फिर इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर, तो ये रोटेट करता जाएगा। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इतना रोटेट कर रहा है, वो आप क्लॉकवाइज ले लें, एंटी क्लॉकवाइज ले लें, चॉइस इज योर्स। लेकिन उसका जो शेडो है ना, वो सेंट्रल एक्सिस पे ऊपर नीचे मूव कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। यहाँ हम ना आज कुछ डेरिवेशंस कर रहे हैं, ये मैथमेटिकल लगेगा बहुत आप, लेकिन लेट मी टेल यू, क्वेश्चन इससे जरा थोड़े इजियर होते हैं। लेकिन एक हार्ड पार्ट है, एक हमने करना ही है, तो अब हमें उसके लिए वी हैव टू बी फोकस्ड। इसमें मैं पहले एक प्रॉपर मेथड जो है मैथमेटिकल वो बता रहा हूँ, जो बायो वाले स्टूडेंट भी समझ जाएंगे, लेकिन उसके बाद मैं एक डेरिवेशन अलग से बताऊंगा जो मैथ वाले बच्चे स्टूडेंट्स ना वो बहुत इजीली समझ जाएंगे। थोड़ा सा है मैथमेटिकल डिफिकल्ट भी है, देखिएगा। देखिए बेटा जी, लेट अस से कि एक ऑब्जेक्ट पी है, वो टी टाइम में ड्यूरिंग अ ड्यूरेशन यहां से यहां मूव पहुंच जाता है, यानी उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, राइट? तो उसका रेप्लिका के साथ क्या हुआ होगा? उसका रेप्लिका यहां से यहां पहुंच गया होगा। अच्छा, जो आप नोट करना, ये ऑब्जेक्ट जो जो ऊपर जा रहा है, रेप्लिका भी ऊपर जा रहा है, ठीक है? यानी ऑब्जेक्ट इधर था, रेप्लिका इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, रेप्लिका इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, रेप्लिका। तो जो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहाँ से 0 से 90 डिग्री पर, इस पोजीशन से इस पोजीशन, तो वो रेप्लिका भी अपने असल सेंटर वाली पोजीशन से क्या होता जा रहा है, दूर हो रहा है। तो सेंटर वाली पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एक्स डिस्प्लेसमेंट। अच्छा नोट करें, जब रेप्लिका इधर पहुंच जाता है, उसका डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, वो रेडियस के इक्वल नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब ये ऑब्जेक्ट इससे इधर साइड पर आने, तो रेप्लिका नीचे आने लग जाता है, जो इधर आएगा तो रेप्लिका इधर आ जाएगा, है ना, नीचे। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट यहां पर होता है बेटा, ये एक्सट्रीम टॉप पे है जो, तो उस वक्त जो रेप्लिका का डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है ना? और वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, रेडियस रेडियस के? के। तो बेटा इट मींस रेडियस इज द एम्पलीट्यूड हियर, रेडियस इज द, तो रेडियस को हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स नोट से। एम्पलीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक्स नॉट सर। लेकिन सर ये तो
शेडो से नहीं जी हम कह रहे थे कि शेडो ऊपर नीचे जाती हैं, ये शेडो ही शेड। तो हम सेंटर से डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं, वॉल तो आगे ये है। बिल्कुल ऐसे हमने उसको सेंटर पे एक्सिस के तौर पर, एक रेफरेंस एक्सिस के तौर पर बीच में रख लिया कि वो जो मूवमेंट इधर कर रहा है वो हम सेंटर से देखें, ठीक है, कि जो ये हमारे पास रेप्लिका की मूवमेंट थी वो एक वर्टिकल एक्सिस में है, तो वो वर्टिकल एक्सिस हमने बीच में रख लिया, यानी इधर से लाइट आएगी तो शेडो भी इधर बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट इस साइड पे चला जाएगा तो तब भी शेडो उस रेप्लिका पे बनेगा और शेडो मूव ऊपर नीचे ही हो, ठीक राइट। है, अच्छा जी, अब ना हमें यहाँ पर क्या भी हमने दिखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, वो एक्स नोड रेडियस के इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी तो रेडियस ही है ना, ये भी एम्पलीट्यूड के इक्वल है, एक्स नोड ये भी रेडियस है, तो ये लेंथ भी किसके इक्वल होगी, एम्पलीट्यूड के इक्वल, एक्स नोड के, क्योंकि एक्स नोड जो सा है वो रेडियस के इक्वल है, तो इसका मतलब जितने भी रेडियस हैं वो एक्स नोड के एम्पलीट्यूड के इक्वल होंगे, क्लियर। अच्छा जी, अब वापस आ जाते हैं कि कंसीडर करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है पी ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचता है इन टाइम पी, ठीक है, तो उसका जो रेप्लिका है वो यहां से यहां पहुंच जाता है, तो बेटा ये उसकी मीन पोजीशन होती, तो मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है डायरेक्टेड डिस्टेंस उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, विच इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स, बना भी हुआ है, क्लियर, राइट। हम ये एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अगर आप देखें तो ये वाला भी रेडियस है, रेडियस किसके इक्वल है, एक्स नोड के, लेट्स से ये जो ऑब्जेक्ट पी है वो यहां से जब यहां हुआ सर्कुलर मोशन पर तो वो इतना एंगल रोटेट किया थीटा, राइट। अगर आप देखें तो उसका ऑल्टरनेट एंगल ये भी क्या होगा, थीटा। अब इस ट्रायंगल पे फोकस करना आपने, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एक्स नोट पता है और हम ये एक्स डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर या ऑपोजिट, और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, राइट। तो बेटा हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज गिवन है कि वो एक्स नोड है, तो थीटा के रिस्पेक्ट से हम क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वी कॉल एज साइन थीटा, राइट। तो बेटा जब हम इस ट्रायंगल पर साइन ऑफ थीटा लगाएं तो वो होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो एक्स नोड जो डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा एक्स का बेटा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट साइन ऑफ थीटा। अच्छा बेटा, अब आपने देखना है ये एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स नोट डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट साइन थीटा। तो एक बार नोट करें, ग्राफ में कल हमने ये लिखा था ना, उसकी डेरिवेशन अब हमने की, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट पर उसका तो फॉर्मूला होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट साइन थीटा। अच्छा यहाँ ना एक चीज जो हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में भी की थी बेटा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल ऑफ वेलोसिटी का, एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ से थीटा को अगर सब्जेक्ट बना ले हम, टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा टी, तो बेटा हम थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा करें इस चैप्टर में, हम थीटा की जगह, और ये हमने पहले भी कहीं किया है, कहाँ किया है, ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। थीटा की जगह क्या रखेंगे बेटा, ओमेगा टी, तो जहां थीटा था वहां ओमेगा टी रख दिया, तो क्या फॉर्मूला हुआ हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, थीटा की जगह क्या रख दिया, ओमेगा टी, क्लियर। अच्छा बेटा, अब ना हम वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, अब आप 1 मिनट के लिए देखें बेटा जी, ये जो पी ऑब्जेक्ट है जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचता है तो
तो इस वक्त अगर हमें कोई पूछे ना कि पी की वेलोसिटी क्या है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव हो रहा हो ना, तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट टेंजेंशियल होती है, यानी जिस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी चाहिए वहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें। दैट टेंजेंट टेल अस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट। तो इट मींस कि इस पॉइंट पी पर इसकी जो पी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो ये टेंजेंशियल वीपी, राइट। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है, जो जो शेडो ऊपर जा, ये ऑब्जेक्ट पी ऊपर जा रहा है, तो शेडो किधर मूव करता है? शेडो ऊपर मूव कर रहा होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट इधर था तो शेडो इधर था, ऑब्जेक्ट इधर है तो शेडो इधर, यानी ऑब्जेक्ट ये जब इधर से इधर गया है तो जो रेप्लिका है वो किधर से किधर गया है? ऊपर जा रहा है। तो जू जू ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, रेप्लिका और ऊपर पहुंच गया, और इधर आ गया, और इधर आ गया। तो इसका मतलब जब व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कि इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है वेलोसिटी ये है, तो उसके रेप्लिका की डायरेक्शन वेलोसिटी ये है, अपवर्ड है, राइट। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, उसके रेप्लिका की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। हम वो स्पीड फाइंड करना चाह रहे हैं, हम ये स्पीड फाइंड करना चाह रहे हैं किसकी, जो रेप्लिका की है, कि रेप्लिका किस स्पीड से मूव कर रहा है भी वो कैलकुलेट करनी है। उसके लिए पता क्या करते हैं, हम इस लाइन को फर्दर आगे ले जाते हैं और ये जो टेंजेंट लाइन है इसे कहीं ना कहीं जाकर टच करेगी। तो यहां कितना एंगल बनेगा? बेटा इस लाइन को फर्दर इंक्रीज कर देते हैं, इसको भी। तो ये जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ जी कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री, राइट। इट मींस ये टोटल एंगल 90 डिग्री। टेंजेंट क्या बनाता है? रेडियस के साथ 90 डिग्री। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो उसमें ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 91 थीटा। ये गलत तो नहीं है? क्लियर। अब ना एक मिनट के लिए देखिएगा बेटा, अब ये हमारे पास वीपी है, पी पॉइंट की वेलोसिटी, ये इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है रेप्लिका की डायरेक्शन वाइज, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम वी फाइंड करना चाह रहे हैं। हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? वी। तो अब ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल इज 90 डिग्री अगेन। तो बेटा अगर ये 90 माइनस थीटा है तो दिस एंगल विल बी थीटा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? क्या बात ही समझ आएगी? मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मैथमेटिकल पॉइंट है, इतना बड़ा भी नहीं है, कि ये एंगल 90 डिग्री है, उनमें से एक एंगल ये 90 माइनस थीटा है, तो बाकी दोनों एंगल को ऐड करके 90 आना चाहिए था ना। तो 90 में से अगर आप 90 माइनस थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आंसर क्या बचेगा? तो मीन्स ये एंगल थीटा है। अच्छा, अब आई होप आपको ये वाली ट्राइंगल नजर आ रही है, ऐसा ही। इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, हमें बीपी पता है और वी हमने फाइंड करनी है, तो आप कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करेंगे यहाँ पर? तो एंगल के साथ वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं? बेस या एडजेसेंट, और 90 के सामने वाली को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो बेस का फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कहते हैं साइन थीटा को, और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कहते हैं अगर हम कोस थीटा लगाएं तो वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए। जी बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है ये, हम कंपोनेंट नहीं ले रहे, आप कंपोनेंट ले रहे हैं, हम देख रहे हैं रेप्लिका की वेलोसिटी।
वो ये है, वो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जैसी ही है, राइट। लेकिन बेटा हम ना उसको एज एक सेपरेट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, दोनों की वेलोसिटीज को। ये डेरिवेशन जो मैं करवा रहा हूँ, ये थोड़ी बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए, मैथ के स्टूडेंट के लिए तो इसका बहुत शॉर्टकट है जो मैंने बाद में करवाना। अच्छा, अब ना अगर हम इस ट्रायंगल में कोस ऑफ थीटा लें तो ये मेरे ख्याल में आता है, ये आई होप आपको समझ आ जाएगा। तो कोसाइन थीटा वी इज इक्वल टू वी पी। अब बेटा एक मिनट के लिए देखेंगे, हमें तो वी चाहिए, ये वी पी डिवाइड हो रहा है इधर आकर, मल्टीप्लाई, द फॉर्मूला विल चेंज इन टू दिस। क्लियर? यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, ये वी पी क्या है? वी पी है उस पी पॉइंट की वेलोसिटी विच इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो बेटा हमने एंगुलर मोशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था जो बार बार, कि वो कई 5 चैप्टर्स में रिपीट होगा। डू यू रिमेम्बर एक फॉर्मूला था, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये फर्स्ट चैप्टर में। तो इस हम जी वो जी फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ रेडियस की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा? एक्स नोट एम्पलीट्यूड। तो रेडियस की जगह हम जब एम्पलीट्यूड लिखेंगे, द फॉर्मूला विल चेंज इनटू एक्स नोट ओमेगा। क्लियर बेटा जी? तो अब ये वाली वैल्यू हम यहां वीपी की जगह रखेंगे एक्स नोट ओमेगा, तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाए। क्लियर बेटा जी? याद रहेगा? अच्छा, एक मिनट के लिए, आप लोगों को कल हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट साइन थीटा। डू यू रिमेम्बर? तो बताया था साइन थीटा के साथ जो एक्स की वैल्यू होगी वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। फिर हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था वी इज इक्वल टू वी नोट कोस थीटा, और उसमें हमने पढ़ा था ये साइन और कोस के साथ हमेशा जो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है वो मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था कि साइन थीटा के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसका मतलब जो कोस के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो अगर आप गौर से करो तो यहाँ कोस थीटा से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स नोड ओमेगा। तो बेटा ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है एक्स नोड ओमेगा। ये फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो दो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर में है उनमें से एक ये। क्लियर क्या ये बात याद रहेगी? अब वापस इस फॉर्मूला में आ जाएं। अगर फॉर्मूला में ये जो एक्स नोड है ये, इसको मैक्सिमम वेलोसिटी कहते हैं, तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला बन जाएगा वो ये, इसको अभी ध्यान में रखें कि मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला एक्स नोड ओमेगा। अब ना यहाँ एक छोटा सा और हम डेरिवेशन करने लगे हैं। आई होप आपको ये ट्राइंगल हमने इधर बनाई नजर आ रही, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा है, ये एक्स है तो ये एक्स है, ये एक्स नोड है तो ये एक्स नोड है। कैन यू सी? हमने वो ट्राइंगल इधर बना लिए थोड़ा सा अलग से करने के लिए। उसमें ये जो परपेंडिकुलर है वो एक्स है यहाँ पर, ठीक है, हाइपोटेनस एक्स नोड है। क्लियर? उसमें ये एंगल के साथ वाली साइड है ना, इसका नाम हम रख लेते हैं वाई। अब बेटा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ बेस और परपेंडिकुलर कौन है? एक्स और वाई। हाइपोटेनस कौन है? एक्स नोट। तो बेटा क्या हम इसे इस तरह लिख दें, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम में कोई गलत तो नहीं किया हमने? मुझे वेरियस समझ आ रहे कुछ या नहीं करना? चलें,
समझ आ रही है आपको? ये थोड़ा हैवी है, मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा इसके शॉर्टकट करवाऊंगा। ये मुझे बायोलॉजी की वजह से है, ये चैप्टर जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो टीचर्स बायोलॉजी स्टूडेंट को अलग कर लेते हैं, मैथ स्टूडेंट्स को अलग कर लेते हैं कई दफा। या मुझे थोड़ा टफ टाइम मिलेगा कि मैं आप इकट्ठे यहाँ पर बैठा भी है कि नहीं, मेरे एक मतलब करवाना है। तो बेटा अगर आप यहाँ से देखें पाइथागोरस थ्योरम लगे, अगर हम वाई को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या होगा? पहले ये एक्स स्क्वायर जो प्लस हो रहा है इधर आकर एक्स नो स्क्वायर में से क्या होगा, और वो वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हमें वाई चाहिए तो हम क्या करें दोनों तरफ, क्या ये समझ आता है? ये हम क्यों कर रहे हैं एक्चुअली बेटा? इस फॉर्मूले में ये कोस थीटा है ना, यहाँ थीटा है, तो अगर हम कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएं तो कोस थीटा होता है एडजस्टेड ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर, तो वो वाई ओवर एक्स है, वाई ओवर एक्स नो सॉरी। तो ये वाई की जगह हम ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ये। बेटा कोस थीटा का ये फॉर्मूला समझ आएगा आपको? अब ना ये क्यों कर रहे हैं हम, किस लिए कर रहे हैं? तो उसके लिए देखेंगे कि अभी हमने यहां पर देखा था कि जो वेलोसिटी है बेटा दैट वाज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कोस ऑफ थीटा। कैन यू सी, मैंने ये यहां दोबारा लिखा है। तो कोस थीटा की क्या वैल्यू निकाली, ये हम ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करने लगे। तो अगर हम कोस थीटा की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक्स नोट से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा वी का एक फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा नया, विच विल बी दिस। तो बेटा हमारे पास वी का एक नया फॉर्मूला आ गया है, वो ये जो यहाँ डिराइव किया। कैन यू सी, ये वी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। पीछे हमने इससे पहले कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया था, डिस्प्लेसमेंट का। फिर हमने वी वेलोसिटी का फॉर्मूला, वी स्पीड लेने वेलोसिटी लेने है तो वेक्टर क्वांटिटी एज वेक्टर हमने डिराइव किया, वेलोसिटी है। क्या ये डेरिवेशन समझ आ जाएगी? ठीक है, कोस थीटा की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की, राइट एंगल ट्राइंगल से हमने कोस थीटा की वैल्यू डिराइव की तो वो सब्स्टिट्यूट किया हमने। अच्छा बेटा फिर अब एक्सेलरेशन पर आ जाए। लेट्स से ये जो ऑब्जेक्ट पी है दैट वाज मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस पोजीशन, जब इस पोजीशन पर आ जाता है बेटा तो किसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है तो उस वक्त उस पे जो एक्सलरेशन होता है वो होता है टुवर्ड्स द सेंटर। कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका एक्सलरेशन किस तरफ होता है, उसे कहेंगे दिस इज एक्सलेशन ऑफ पॉइंट पी ए पी, इसे सेंटीपेटल एक्सलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटीपेटल एक्सलेशन। जबकि ये जो उसका रेप्लिका है, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो रेप्लिका यहाँ है, और रेप्लिका के एक्सलेशन की डायरेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सलेशन की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, टुवर्ड्स द मीन पोजिशन। रेप्लिका में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है, एक्सलेशन इज टूवर्ड्स द मीन पोजिशन। तो बेटा उस सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सलेशन की डायरेक्शन ये है। अच्छा जी अब ना हमने एक्सलेशन की वैल्यू करनी है, ये एपी है यानी पी पॉइंट का एक्सलेशन जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और ये डायरेक्शन है एक्सलेशन की डाउनवर्ड, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हम यहाँ साइन ऑफ थीटा लें तो साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस एपी है, राइट, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस या ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। क्या ये बात समझ आती है? जी बेटा विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड?
अगर हम इस ट्रायंगल में ये हमारे पास हाइपोटेनस है और ये ए परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा ए ओवर एपी। अब ये एपी में, अब यहाँ पर देखें कि एपी डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ए इज इक्वल टू एपी साइन थीटा, ए इज इक्वल टू एपी साइन थीटा। अच्छा यहाँ पर हमने नेगेटिव लिया क्योंकि ये जो एक्सलेशन की डायरेक्शन है वो किधर है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से हमने इसको क्या लिया, नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। सो बेटा ये माइनस है यहां पर हमारे पास। अब ये एपी क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूवमेंट कर रहे, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक होता है वी स्क्वायर ओवर आर और एक होता है आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां हम ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करेंगे क्योंकि ओमेगा हम पीछे से यूज करते आए हैं। तो बेटा आर ओमेगा स्क्वायर लेंगे, एपी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ जो आर है वो किसके इक्वल है, एम्पलीट्यूड के। तो बेटा जो एपी है ना उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स नोट ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा हम एपी की जगह रख देते हैं एक्स नोट ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एक्सेलरेशन का। अच्छा यहाँ आगे साइन थीटा है, थीटा की जगह ओमेगा टी रहने दें या साइन थीटा ओमेगा टी लिखते हैं हम। तो बेटा ये जो साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना एक्स नॉट ओमेगा, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू है। बेटा ये दो तीन फॉर्मूला थे जिन्हें मैं हाईलाइट करूं, यही सबसे ज्यादा रिपीट हूं, राइट? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है। अच्छा ये जो एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर है ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है हमारे पास, तो हमने ना इस फॉर्मूले में ओमेगा को पहले लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर को, एक्स नॉट को बाद में लिख दिया। मैथमेटिकली कोई चेंज तो नहीं आया बड़ा, राइट? तो ये जो एक्स नोट साइन थीटा होता है बेटा इसी को हम एक्स नहीं कह रहे, एक्स नोट साइन थीटा किसके इक्वल है? सो बेटा जी इसकी जगह हम एक्स लिख देते हैं, तो ये एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आ जाता है। ये डेरिवेशंस हमारी अब कंप्लीट होती हैं। तो इनको मैं समराइज कर रहा हूं, क्या क्या हमने प्रूव किया। एक अभी तक हमने प्रूव किया कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है एट एनी पॉइंट वो इक्वल होता है एक्स नोट साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिख दें, ओमेगा टी, राइट? दूसरा हमने पढ़ा वी इज इक्वल टू एक्स नोट ओमेगा कोस ऑफ थीटा, थीटा की जगह क्या रख दें, ओमेगा टी। अब इसमें याद रखना है कि एक्स में साइन के साथ ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में ये मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा ये फॉर्मूला यूज होने में संधि अभी करता हूं। एक्सलेरेशन का फॉर्मूला हमने निकाला माइनस एक्स नोट ओमेगा स्क्वायर साइनो थीटा, इसमें हमने दो फॉर्मूलास किए। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा कि ये जो साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये एक्सलेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी और वो है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। अच्छा माइनस लगाना चाहे चॉइस इज योर, ये डायरेक्शन बता रही, आप विद माइनस भी कैलकुलेशन में कर सकते हैं और विदाउट माइनस भी। अच्छा एक हमने इसकी डेरिवेशन यहाँ पर और की कि ये एक्स नोट को अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो इसी को हम एक्स नहीं कहते, है ना? तो बेटा इसका फॉर्मूला बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा एक मिनट के लिए देखें, हम अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके घूमने की स्पीड कांस्टेंट होगी, तो कांस्टेंट को अगर हम रिमूव कर दें तो इक्वालिटी की जगह क्या आ जाता है,
यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन नहीं? दिस प्रूव्स के वाकई ये जो फॉर्मूलाज है एट द एंड, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूव कर रहे हैं। क्लियर? अब आपने, आपको कक समझ नहीं आया, लेट्स से कोई डेरिवेशन नहीं आपको समझ आई, आपने जो चीजें याद रखनी है ना उनमें से ये और ये फॉर्मूला याद रखने, तीन इंपॉर्टेंट है सबसे। राइट? क्लियर? अच्छा, अब वेलोसिटी का हमने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा बेटा, जो यहां पर था वो ये है। मैं उसको यहां पर रीराइट कर रहा हूं कि किसी भी पॉइंट पर, ये तो थी मैक्सिमम वेलोसिटी, ये होता है किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट वेलोसिटी, एट एन इंस्टेंट। तो इंस्टेंट वेलोसिटी का हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है, वो है ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स। ये मैंने यहां से लिखा है बेटा, यहां से। राइट? क्लियर? याद रहेगा आपको? अच्छा, अब ना कल हमने एक पॉइंट किया था डेरिवेशन में, डेरिवेशन तो नहीं, कल हम पढ़ रहे थे कि टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की। लेकिन जब हम मीन पोजीशन पर होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो वही टोटल एनर्जी होती है। और जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पर होते हैं, काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक जाता है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, वही टोटल एनर्जी। अब ना एक मिनट के लिए देखिएगा बेटा, अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लें तो हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, और तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। लेकिन जब हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब स्पीड भी कौन सी वाली लेंगे? स्पीड वी नोड, वी नोड कौन सी स्पीड है? एक्स नोड ओमेगा। अब बेटा ये वी का स्क्वायर है, एक्स नोड ओमेगा का स्क्वायर है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है बेटा, वो ही हमारी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी वही है, हमारी टोटल एनर्जी भी वही। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू निकाली है ये टोटल एनर्जी की वैल्यू है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, मैंने एक्स नोड को आगे पीछे कर दिया। कैन यू रिमेम्बर बेटा जी, ये डेरिवेशंस है, आपको बहुत दुख हो रहा होगा क्योंकि थोड़ी सी टफ है डेरिवेशंस, स्पेशली पीछे वाली और जो हमने की है। सर इसकी जो क्या कहते हैं हम MGH के इक्वल करेंगे जो हाइट आएगी वो हम ओरिजिन से लेंगे ना। बेटा जी इसमें ना आपको पहले भी बताया कि हमने ना एमजीएस से डेरिवेशन इसलिए नहीं की है क्योंकि यहाँ जरूरी नहीं है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग भी हो सकता है तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ठीक हाँ वो मुझे समझ आ गई लेकिन इस है? सर्कल की बात कर रहा हूँ अच्छा, मैं। अब आपकी बात ना अभी फिल करते हैं, अभी आपकी बात के ऊपर जाएं। अब ना हमने ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कर ली, तो हमने एक नॉर्मल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट भी तो कैलकुलेट की है ना। तो बेटा अगर हमें काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है एट एनी इंस्टेंट, सिंपल काइनेटिक एनर्जी, तो उसके लिए फॉर्मूला हाफ एम बी। अच्छा, जब मैक्सिमम थी तो स्पीड मैक्सिमम ली, जब एट काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट है तो वेलोसिटी नॉर्मल वाली ली, तो वेलोसिटी का स्क्वायर, अभी देखें ऊपर वेलोसिटी का हमने क्या फॉर्मूला लिखा है,
ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस, तो बेटा ये वाली वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करें, ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर लेंगे इसका तो क्या होगा, स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और आगे वाले पे से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। तो बेटा दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट। हमारे पास ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से हमने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है टोटल एनर्जी भी उतनी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी उतनी है। तो टोटल एनर्जी हमारे पास ये है, काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ये है। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी का अपना कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर, तो वो आप कैसे निकालेंगे। तो बेटा टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट किसके इक्वल होगी, टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। हमने इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया, बस पोटेंशियल एनर्जी को सब्जेक्ट बनाया। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो बेटा आप इसे सिंपलीफाई करें तो आपका आंसर विल सिंपली बी दिस। इस तरह ये फॉर्मूला हमने किसके लिए निकाल लिया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं निकाला, हमने इसकी डेरिवेशन की है। क्लियर, याद रहेगा बेटा, ये मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ साथ साथ, ये थोड़ा सा टफ है, डेरिवेशंस को आपको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, फिर समझ। आपको ये चैप्टर पढ़ते हुए दुख होता है, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। अब मैं ना वो डेरिवेशन बताने लगा हूं जो मैथमेटिक स्टूडेंट्स के लिए है, कि इफ वी नो द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, और थीटा क्या है, ओमेगा टी। तो बेटा वेलोसिटी क्या होता है, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। बेटा ये रेट ऑफ चेंज ना हमारे सिलेबस में कई दफा आया है, इसकी एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन होती है, ग्राफिकल भी होती है। रेट ऑफ चेंज को ग्राफ में पता क्या कहते हैं, क्या कहते हैं रेट ऑफ चेंज को ग्राफ, ग्रेडिएंट और मैथ में क्या कहते हैं इसको, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। इसका मतलब वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। मैथ है आपका, फिर आप ना देखना। तो जो वेलोसिटी है वो रेट, डेरिवेटिव है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डेरिवेटिव कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पर है डी ओवर डी टी ऑफ एक्स, राइट। तो एक्स है ये, यानी हमने डेरिवेटिव लेना बेटा एक्स का, और एक्स की जगह एक्स नोट। अच्छा यहाँ एक्स नोट एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव में कांस्टेंट को कुछ नहीं कहते हैं, तो एक्स तो ऐसे रहेगा। डेरिवेटिव साइन का लेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस ऑफ ओमेगा टी। फिर डेरिवेटिव लेते ओमेगा हैं एंगल का, तो ओमेगा हो ये जाएगा। इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा,
हाँ जी ओमेगा आगे मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स नोट ओमेगा कॉस, कॉस, तो ये गौर से ज्यादा देखिए आसान यही ऊपर वहां डेरिवेशन में हमने यहाँ पर यही लिखा हुआ है, अगर सर। आप वैसे देखें ये वाली डेरिवेशन बायो के बच्चों को भी समझ आ जाती है, इतनी मुश्किल नहीं है। पता नहीं भाई मुझे नहीं पता, मैंने तो डेरिवेटिव हर बायो के स्टूडेंट ने नहीं किया होता। ठीक है मैं ये डेरिवेटिव, आप डेरिवेटिव वाली बात कर रहे हो। सर अच्छा एक्सलरेशन क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हाँ रेट ऑफ चेंज कहते हैं डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी यानी हमें इसका डेरिवेटिव लेना है राइट। तो साइन में हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो डेरिवेटिव जाएगा लेंगे तो एक्स नोट ओमेगा कांस्टेंट है, अगर माइनस हो वो जाएगा। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है पॉइंट टू कांस्टेंट, तो साइन का कोस का डेरिवेटिव लेंगे वो होता है माइनस साइन, और फिर एंगल ओमेगा का डेरिवेटिव लेंगे ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा, वो ओमेगा इस ओमेगा से मल्टीप्लाई करेगा और माइनस पहले, तो ये का माइनस एक्स नोट ओमेगा स्क्वायर साइन साइन डब्ल्यू थीटा थीटा ओमेगा। डी। तो बेटा देखो जो डेरिवेशन हमने वहां सर्कल में बड़ी सर्कल पा के की थी, तो यहाँ एक ही लाइन में आ जाती है, तो मैथ वालों के लिए ये आसान है, ये डेरिवेशंस थोड़ी टफ है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि ये डेरिवेशन एग्जाम में कम आती है, लेकिन बुढ़े भगत का कुछ पता नहीं होता। तो उसमें डेरिवेटिव से कर सकते हैं हम एग्जाम में, जी ठीक जी कर सकते हैं, किया हुआ मैथ पेपर में आया, पास पेपर में आया हुआ है, तो वहां जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने बस सिंपली ये करना राइट। अब्दुल हनान जो बायो जी। वाले स्टूडेंट है ना उनको थोड़ा टफ टाइम मिलेगा। जी बेटा जी दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, मैंने थोड़ी क्लास लेंथी कर ली है।